गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में और आप सभी को एडवांस में गणेश महोत्सव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गणेश महोत्सव को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए मोदक बना करके दिखाने वाली हूँ। मोदक दिखाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम लिंक है, वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं मोदक। आप देख सकते हो कि बिना किसी केमिकल के और बिना किसी फूड कलर के मोदक बना करके तैयार किए हैं और मोदक देखने में जितने यम्मी दिख रहे हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और कई मोदक मैंने हाथ से बना करके दिखाए हैं और कई मोदक मैंने मोल्ड में तैयार किए हैं। एक मोदक मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ कि कितना परफेक्ट तैयार हुआ है और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप हरे गणेश महोत्सव पर इन्हें बना करके तैयार करोगे। मोदक बनाने के लिए 1.5 से 2 लीटर के करीब खीस है, 1 बाउल चीनी है। अगर आप पिसी हुई चीनी लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर है और कुछ पिस्ता है जिसे मैंने लंबा पतला चॉप किया है। आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 से 1.25 लीटर के करीब खीस डाल लिया है और बिल्कुल तेज आंच पर चम्मच से हिलाते हुए इसे पकाएंगे। कंटिन्यू चम्मच से हिलाते हुए इसे पकाना है, थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि खीस क्या होता है। गाय या भैंस जो बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकेंड मिल्क होता है उसे खीस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हरियाणा में तो इसे खीस कहते हैं, अदर स्टेट्स का मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर इसे क्या कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर खीस को क्या कहा जाता है। इसी तरह से कंटिन्यू चम्मच से हिलाते हुए कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे। आप देख सकते हो कि मैं कंटिन्यू चम्मच से हिलाते हुए खीस को पका रही हूँ और साथ साथ आप देख सकते हो कि खीस अब गाढ़ा होने लगा है। इसी तरह से चम्मच से साइड से छुड़ाते हुए और चम्मच से नीचे तक हिलाते हुए खीस को बर्तन से छुड़ाना है और पकाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई गांठें ना बने। खीस काफ़ी पौष्टिक होता है, काफ़ी प्रोटीन होता है इसके अंदर, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगर आपको ये खीस कहीं से भी मिल सकता है तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हम खीस को जब तक पकाएंगे जब तक खीस बिल्कुल सूख ना जाए और अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। इस स्टेज पे हम इसके अंदर चीनी डाल रहे हैं। अगर आप चीनी को पीस करके डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। मैंने थोड़ी चीनी बचाई है, अगर हमें मीठा कम लगता है तो हम बाद में इसे ऐड करेंगे। चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इसे और पकाएंगे। ये बर्तन में बहुत जल्दी चिपकता है तो इस बात का ध्यान रखना है कि 1 उबाल आने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकाना है और लगातार चम्मच इसके अंदर हिलानी है ताकि ये खीस चिपके ना और जले ना। इसी तरह से कुछ देर के लिए और पकाएंगे। यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसे कुछ देर के लिए और पकाएंगे, इसी तरह से चम्मच से हिलाते हुए। और आप इसके अंदर मीठा अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। और मैंने आपको पहले खीस की 2 से 3 डिश बना करके दिखा रखी है। सिंपल खीस मैंने आपको बना करके दिखाया है, सूजी के साथ खीस के लड्डू मैंने आपको बना करके दिखाए हैं और खीस की बर्फी भी मैंने आपको बना करके दिखाई हुई है। सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरह से लगातार चम्मच से हिलाते हुए बिल्कुल धीमी आँच पर कुछ देर के लिए और पकाएंगे। यहाँ पर खीस अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल सूख चुका है। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुछ देर के लिए खीस को ठंडा होने के लिए रख देंगे। खीस को ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में डाल करके पीसा है, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अब पिसे हुए खीस को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सारे खीस को प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/2 छोटा चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल रही हूँ और दोनों ही चीज़ों को हाथ से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप खीस से कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इसके अंदर घी या तेल नहीं डालना है, क्योंकि खीस के अंदर अपनी काफ़ी चिकनाई होती है, उसी से ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चीज़ें तैयार कर सकता है।
और यहाँ पर इलायची पाउडर और खीस अच्छे से मिक्स हो चुका है। और यहाँ पर मैंने मोदक का मोल्ड लिया है, तो इस तरह का आपको मोल्ड मार्केट में मिल जाएगा। और इसे हम घी से ग्रीस करेंगे। मोल्ड को हम दोनों ही साइड से घी से ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड को बंद कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके खीस को डालेंगे। खीस को हाथ से दबाते हुए अंदर की तरफ अच्छे से सेट करेंगे ताकि मोदक की अच्छे से शेप आ सके और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मोदक तैयार हो सके। घी की ग्रीसिंग के बाद मोदक इसके अंदर चिपकेगा नहीं और बड़ी आसानी से इसके अंदर से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से इसके अंदर खीस को दबाते हुए अच्छे से सेट कर रही हूँ और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो खीस हम इसके ऊपर लगा रहे उसे भी हटा रही हूँ। तो दोनों हाथों से मोल्ड को अच्छे से दबाएंगे और धीरे से इसे खोलेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमने खीस इसके अंदर डाला था ऊपर तक नहीं गया है। तो थोड़ा खीस मैं इसके ऊपर दोबारा से लगा रही हूँ और मोल्ड को हम दोबारा से बंद करके एक बार फिर से दबाएंगे ताकि मोदक पूरा तैयार हो सके। यहाँ पर मैंने एक प्लेट और ली है और मोल्ड को मैं बहुत ही आसानी से बिल्कुल धीरे से खोलूँगी और आप देख सकते हो कि मोदक कितनी आराम से इसमें से निकल गया है और कितनी परफेक्ट इसकी शेप आई है। इसी तरह से मैं आपको एक मोदक और बना करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कि मोल्ड को बिना बंद करे मैं इसके अंदर खीस को अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि पूरा मोदक इसमें से बन करके तैयार हो सके। अब मैंने मोल्ड को बंद कर दिया है और इसके अंदर और खीस डाल रहे हैं और हाथ से दबाते हुए इसके अंदर मैं खीस को अच्छे से सेट करूँगी। यहाँ पर दूसरा मोदक भी बनकर के तैयार है और देखिए मैंने बिल्कुल आसान तरीके से दोबारा से इसमें से दूसरा मोदक निकाल लिया है और आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट हमारा मोदक बनकर के तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे मोदक बना करके तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको हाथ से एक मोदक बना करके दिखा रही हूँ बिना किसी मोल्ड के। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप हाथ से भी मोदक बना करके तैयार कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक फोक से इसके ऊपर डिजाइन बना रही हूँ। अगर आपके पास टूथपिक है या फिर आप किसी सुई से भी इसके ऊपर डिजाइन बना सकते हो अगर आपको पसंद है। तो देखिए मैं किस तरह से फोक से इसके ऊपर डिजाइन तैयार कर रही हूँ ताकि ये भी काफ़ी परफेक्ट तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारा हाथ का मोदक भी बनकर के तैयार है और इस तरह से हम अपने सभी मोदकों को तैयार करेंगे। आप देख सकते हो कि मोदक कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं और आप मोदक को छोटा या बड़ा अपनी पसंद के अनुसार शेप दे सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो। आप मोदक के अंदर किसी भी ड्राई फ्रूट की स्टफिंग कर सकते हो। मैंने पिस्ता कट किया था पर मैंने इसके अंदर पिस्ता नहीं लगाया है जो कि मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मुझे पिस्ता इसके अंदर काफ़ी पसंद है और बच्चों को पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने पिस्ता को अवॉइड कर दिया है। और आप देख सकते हो कि हमारे जो ये मोदक है कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं। मैंने आपको कई तरह के मोदक बना करके दिखाए हैं और सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक मोदक तोड़ करके दिखा रही हूँ कि मोदक कितना परफेक्ट तैयार हुआ है और आप भी इसे बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके से तैयार हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे मोदक कैसे लगे। फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारे मोदक बनकर के तैयार हैं। देखने में जितने यम्मी हैं खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके मोदक कैसे बने, घर परिवार में सभी को कैसे लगे। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।